नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल के साथ क्राउड ने की बहुत बड़ी बदतमीजी, जिसके कारण विराट कोहली को भी आया गुस्सा। तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं विराट कोहली और केएल राहुल के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कुछ अवांछित दृश्य देखने को मिले हैं, क्योंकि इंग्लैंड के प्रशंसकों ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन केएल राहुल पर शैंपेन की बोतल, कार की बोतल फेंकी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि टेस्ट मैच में जो रूट और जॉनी ब्रेस्टन ने शानदार बल्लेबाजी की और चौथे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप कर ली, लेकिन तीसरे दिन के पहले सेशन में इंग्लैंड के फैंस ने कुछ ऐसा किया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर फैंस बात कर रहे हैं और वो केएल राहुल के फैंस हैं। टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहले सेशन के दौरान टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल बाउंड्री रोप पर बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। उसी दौरान कुछ इंग्लिश फैंस ने बदतमीजी की और उन पर शैंपेन की बोतल, कार की बोतल फेंकनी शुरू कर दी। हालांकि केएल राहुल को इससे किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, इसे लेकर कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन दर्शकों के इस दुर्व्यवहार ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर संसार कर दिया। बता दें, दूसरे टेस्ट के पहले दिन शानदार शतक जड़ा था केएल राहुल ने। यह सब देखने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने उन बोतलों को वापस फैंस के बाद फेंकने का निर्णय लिया और केएल राहुल से कहा कि जो बोतल उनके पास फेंकी गई है उसे वापस वे उन्हीं फैंस के ऊपर फेंक दें, क्योंकि उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी है। यह सब देख के भारत के सभी 11 के 11 खिलाड़ी काफी गुस्से में आ गए थे और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन फैंस को उन्हीं के जुबान में जवाब देना जरूरी था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल ने सही किया या गलत, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।